हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज जो फ्रेम किए गए हैं 6 और 7 नवंबर के करंट अफेयर्स से। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस फेसबुक पेज पर, इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, आप मुझे भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। दोस्तों, कोई अगर आपको कुछ चेंज चाहिए इस लेक्चर में तो वो भी मुझे बता सकते हैं। हमने एसएससी के लिए, बैंक के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इंक्लूडिंग यूपीएससी, इन सब के लिए हमने अपने पेंटर कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे साइट पर जाकर के, या आप हमें इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। आपको आपके मन में कोई भी सवाल हो कोर्सेज से रिलेटेड, आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर। पहला सवाल दोस्तों हमने फ्रेम किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से। क्यों? क्योंकि द हिंदू में आई ये न्यूज़, प्रमोटर्स विद इन राइट्स टू बिड द आईबीसी एसेट्स। दोस्तों देखिए, इसमें जिक्र हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का, प्लस इसमें जिक्र हुआ है एनसीएलटी का। ये एनसीएलटी क्या है दोस्तों? एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके बारे में देखेंगे हम। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। With reference to insolvency and bankruptcy code, consider the following statements. It aims to set up insolvency and bankruptcy board of India. जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। It abolishes NCERT. नहीं, ये NCERT को abolish नहीं करता, ये NCERT और DRT दोनों को इस्तेमाल करता है। मेरा सेकंड गलत है। देखिए, जो NCERT है, it will adjudicate insolvency dispute for companies. और जो DRT है, दैट विल एडजुडिकेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस फॉर इंडिविजुअल्स। दोनों के लिए दोस्तों अलग अलग अथॉरिटी है। कंपनी के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है। कंपनी के लिए कौन है? ये है NCERT, और इंडिविजुअल के लिए है DRT। DRT क्या? डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो मेरा सेकंड गलत है। इट कवर्स इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें दोनों कवर करते हैं, इंडिविजुअल को भी कवर करते हैं और कंपनीज को भी कवर करते हैं। मेरा थर्ड है जो सही है। मेरा आंसर दोस्तों क्या? B 1 and 3 ओनली आर करेक्ट, क्योंकि बी है जो सेकंड है जो गलत है। अच्छा, वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस चाहता है। ये चाहता है कि जो इंसॉल्वेंसी की जो पूरा प्रोसेस है वो 180 दिन में ख़त्म हो जाए। द प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाई लाइसेंस्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिनको रेगुलेट कौन करेगा? यही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। दिस बोर्ड विल बी सेटअप टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस यूटिलिटीज। तीनों बनाए जाएंगे इस कोड के अंतर्गत, इन सबको तीनों को रेगुलेट करेगा IBBI। मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो यूटिलिटीज होंगी, जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड टू कलेक्ट कोलेट एंड डिसिमेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी वो क्या करेगा? वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कोलेट करेगा और उसे डिसिमिनेट करेगा, ताकि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेसर है वो आराम से हो सके। तो ये थे पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारे वेस्टर्न घाट पे, न्यू एंट स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। दोस्तों, हर कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में ऐसे ऐसे नए जीव जंतु पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, तो आपको उन सबको प्रिपेयर नहीं करना है। ये देखिए, अगर आपको मन हो तो कर सकते हैं, मगर ये जितना मेहनत आप इसमें लगाएंगे, उतना मेहनत अगर आप लक्ष्मीकांत में लगा दें या फिर जो ओल्ड NCERT है उसमें लगा दें, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्लस आप जैसे आप ये जो क्वेश्चन जो रट रहे हैं, ये सब फैक्ट, आप ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों एक ब्रॉड क्वेश्चन वेस्टर्न घाट पे, ठीक है? ये जो चीटी मिली है उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, जो वेस्टर्न घाट है उस पर हम ध्यान देंगे। चलिए, पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इस वेस्टर्न घाट की, आपको ये बताना है। दे आर डायसेक्टेड बाई मेजर रिवर्स विच फॉर्म डेल्टा। नहीं जी, ये प्रॉपर्टी है ईस्टर्न घाट की, ये वेस्टर्न घाट की प्रॉपर्टी नहीं है। जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, दैट इज नॉट डायसेक्टेड। कंटिन्यूअस का मतलब ये दोस्तों कि वो जो घाट है वो लगातार है, ठीक है? और जो ईस्टर्न घाट, देखिए क्या होता है, ये पेनिनसुला,
ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों जो वेस्टर्न घाट है वो डायसेक्ट नहीं होता, जो ईस्टर्न घाट है इसके बीच से होकर के नदियाँ बह जाती हैं, जिससे वो जो घाट है वो डायसेक्ट हो जाता है। और जो नदियाँ हैं ये वाली, ये डेल्टा बनाती हैं। और जो वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं दोस्तों, ये डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, इस पर सवाल यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। दोस्तों आपको ये बताना है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन ज़्यादा ऊंचा है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन ज़्यादा ऊंचा है, दोनों घाट किस बिंदु पर जा कर के मिलते हैं, इस पर्वत का आपको नाम बताना है, ये जो रेंज है उसका नाम बताना है आपको। प्लस आपको ये भी बताना है कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी ऊँचाई कैसे वेरी करती है, उत्तर से पश्चिम जाने पर यह घटती है या बढ़ती है, आप ये बताइए। इसको हम अभी तुरंत बताएंगे आपको। तो मेरा पहला तो हो गया गलत। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट का जो हाइट है वो इधर से, मतलब कि नॉर्थ से साउथ में आने पर बढ़ता है, मतलब कि इधर ऊंचाई कम है, इधर ऊंचाई ज़्यादा है, साउथ में ऊंचाई ज़्यादा है वेस्टर्न घाट की। मेरा सेकंड सही है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन ओनली बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न घाट है वो है जो है वो कंटिन्यूअस है, जो ईस्टर्न घाट है वो डाइसेक्टेड है। तो दोस्तों चूंकि ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, इसलिए इनको केवल पासेस के थ्रू, केवल दर्रों के थ्रू ही पार किया जा सकता है। मेरा थर्ड सही है। दोस्तों अगली बार आपसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है ऐसा, ये कि इनमें से कौन कौन से घाट हैं जो वेस्टर्न घाट में हैं, कौन कौन से दर्रे हैं जो वेस्टर्न घाट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जैसे कि पाल घाट हो गया, कसरा घाट हो गया, सब कहाँ हैं, ये सब वेस्टर्न घाट में हैं। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है क्या, सी, टू एंड थ्री ओनली आर करेक्ट। जो हाइट है वेस्टर्न घाट की, इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, दैट इंक्लूड अन्नामुड़ी, दोडा बेटा, ये सब क्या है, ये सब वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा नहीं बनती वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, और एक बात और, वेस्टर्न घाट पे जो बारिश होती है दैट इज ऑरोग्राफिक रेन। ये कौन सी रेन होती है, देखिए बताता हूँ क्या होता है ऑरोग्राफिक रेन। यहाँ पर खाली है, बताता हूँ। ये है पर्वत, इधर से आई मानसून विंड, ये चढ़ गई ऊपर, है ना। मानसून विंड दोस्तों जब ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर कम है, है ना। टेम्परेचर कम होने के कारण हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो धीरे धीरे बूंदों का रूप लेती है। बूंदें आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो हवा होता है, इस बड़ी बूंद को हवा में रखने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है, है ना, भार ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो बड़ी बूंदें होती हैं वो नीचे गिरनी शुरू करती हैं बारिश के रूप में, इसे हम लोग कहते हैं ऑरोग्राफिक रेन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कहाँ होता है, सब माउंटेनस जो जो पर्वत वाले जो एरिया है ना, उसमें होते हैं। अगला सवाल दोस्तों है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व पर। सवाल देखिए, दिस रिजर्व इज स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दोस्तों ये केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, कर्नाटका में फैला हुआ नहीं है, पहला है गलत। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों मैंने देखा ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, मेरा आंसर आ गया प्रेम से सी, थ्री ओनली इज करेक्ट, मुझे सेकंड देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज इन द रिजर्व, क्या बात सही है, ये आप मुझे बताइए क्यों, क्योंकि इसके सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें केवल थ्री ओनली है। द रिजर्व इज होम टू नीलगिरी ताहिर एंड एशियन एलिफेंट्स, मेरा थ्री सही है। मेरा आंसर है यहां पर सी, थ्री ओनली इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो अन्नामुड़ी पर्वत है ये किस राज्य में है और क्या ये इस रिजर्व में है। दोस्तों ये जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसे एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, ये फैला हुआ है केरला में, तमिलनाडु में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेयार, पेपरा और जो काकट जो टावर रिजर्व हैं उनके द्वारा, मतलब उन जो सारे हैं ना वो इसी बायोस्फीयर में बसे हुए हैं। हमारा जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये इस बायोस्फीयर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, और एक बार बताऊँ आपको कि ये जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे हाल में ही यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर, देखिए WN
BR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व, ये किसका है? ये यूनेस्को का होता है। इस बायोस्फेयर रिजर्व को इस रिजर्व में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मीलेंगे टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, नीलगिरी ताहर, ठीक है। तो मेरा थी मेरा सही था ही है ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों इसी रिजर्व पर है। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो ये जो रिजर्व है वो चार से मिलकर बना हुआ है, नयार, पिपरा, सिंडली और कलकड़। मेरा यहाँ पर पहला सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। मैंने आपको ऐसे दिया था कि चीज़ आपको याद रहे। वहाँ पर जो टफ क्वेश्चन का जो श्रेणी होता है दोस्तों उसमें आपको आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा आंसर है यहाँ पर, देखिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जो पेरियर वाला है ना, पेरियर वाला सही नहीं था, ठीक है। मेरा थ्री है जो सही नहीं है। मेरा आंसर है यहाँ पर क्या, वन टू एंड फोर, सी इज द राइट आंसर। अगर मेरा आंसर हो, अगर मेरा डी ऑप्शन होता वन टू थ्री फोर, तो कई लोग डी लगा जाते। मेरा डी है जो गलत, मेरा ई है जो गलत है, मेरा सी है आंसर वन टू एंड फोर ओनली। पेरियार है जो इसमें इस रिजर्व में नहीं पाया जाता। दोस्तों अगली खबर आई है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट पद्मावती इंटेंसिफाइज। तो देखिए इसके बारे में हमने जो एक वीडियो है उसको डाल दिया है, तो उसको देख सकते हैं आप। हम लोग देखेंगे कि ये जो पद्मावती है ये एक नाटक का भी नाम है, ठीक है। ये जो पद्मावती नाटक है वो किसने लिखा था? ये लिखा था मधुसूदन जी ने। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, इसे कितने लिखा? इसे लिखा कालिदास ने, ये दोनों नाटक हैं। नील देवी, भारतेंदु, सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारतेंदु, ठीक है, चंद्रवल और जो राजश्री वगैरह है, सब किसने लिखा? ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। चंद्रगुप्त है, प्रायश्चित हो गया, ये सब किसने लिखा है? ये सब जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, ये सब देख लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिए बाकी चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रॉब ऑर्डर्ड इनटू पैराडाइज पेपर। पैराडाइज पेपर के पहले हमारे पास आया था पनामा पेपर्स। दोस्तों दोनों को, पनामा पेपर को और पैराडाइज पेपर को, दोनों को एक ही संस्था ने रिलीज़ किया है। वो संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स। तो हम लोग देखते हैं इस संस्था के बारे में, सवाल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। द ICIJ इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 200 जर्नलिस्ट इन 70 कंट्रीज हु कोलेबोरेट ऑन इन डेप्थ स्टोरीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से जो फैक्ट हैं वो आपके काम के नहीं होते ज़्यादातर, ठीक है। मगर चूंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने कंट्रीज हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जर्नलिस्ट मेंबर होते हैं क्या? जी हाँ जी, वही होते हैं। मेरा फर्स्ट सही है। इट इज़ हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC, जो कहाँ है? US में है। इन्होंने ही जो पैराडाइज पेपर है और जो पनामा पेपर है, दोनों को इन्होंने रिलीज़ किया था, 2, 3 एंड 4। मेरा आंसर है यहाँ पर डी, ये चारों हैं जो सही स्टेटमेंट हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों है, द हिंदू का जो फ्रंट पेज है उसमें ये न्यूज़ आई है, 2017 इज सेट टू बी इन टॉप 3 हॉटेस्ट ईयर। ये कहना है WMO का। WMO क्या है? ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहना है इनका। ध्यान दीजिएगा, WMO और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इन दोनों ने मिलकर IPCC का गठन किया है। तो हम पहले देखते हैं IPCC के बारे में, बाकी सवाल देखेंगे हम लोग उसके बाद। विथ रेफरेंस टू IPCC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ UN। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो UN के अंतर्गत ही है। मेरा पहला सही है। इट कैरीज आउट इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च एंड मॉनिटर्स क्लाइमेट। ये अपना खुद का रिसर्च नहीं करता, सबसे बड़ी बात अब ध्यान दीजिएगा, ये अपना खुद का रिसर्च नहीं करता और एक क्लाइमेट को मॉनिटर नहीं करता। ये बस रिपोर्ट को पब्लिश करके ये उसको एनालाइज करता है। मेरा सेकंड है जो गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? A1 ओनली इज करेक्ट। IPCC वॉज इस्टेब्लिश इन 1988 बाई WMO एंड UNEP, ठीक है। WMO के बारे में दोस्तों जो बाकी चीज़ें हैं मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर्स हैं 191। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम IMO। ये IMO कब बना था? ये बना था 1873 में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। कौन? WMO बना था 1950 में, ठीक है।
इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन फॉर मेट्रोलॉजी। इन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मगर दोस्तों हमारे जो दोस्त होते हैं काफ़ी भुलक्कड़ होते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, हम लोग उनको रिवाइज कराते रहते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों है कि रेन ब्रिंग्स बैक विंग्ड विजिटर्स, ये बात कही गई है नेलापट्टू सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ है दोस्तों? ये आंध्रा में है। ये सेंचुरी कहाँ है? ये आंध्रा में है। कहाँ है? आंध्रा में है, भूलना नहीं, ठीक है। चलो, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी इन आंध्रा। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, मैंने आपको चार बार बता दिया ताकि आप भूलें नहीं। मत भूलना यार, पूछ देते हैं एग्जाम में, ठीक है, फिर पछताओगे कि यार याद नहीं रहा। अगला देखो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट फॉर स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। मेरा सेकेंड है जो क्या सही है, मेरा आंसर है सी। बाकी बातें मेंशन कर दी है यहाँ पर, उसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से इसको रोक करके पढ़ लेना। ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में कभी नहीं आता, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा वो वाला नीला पल्लू वाला। विथ रेफरेंस टू मनरेगा एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट फॉल्स अंडर इंडियन लेबर लॉ एंड इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। दोस्तों ये क्या है कि ये आपका, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को देखिए, उनकी जो भी आमदनी होती है खेती बाड़ी से, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको और सहारा देने के लिए भारत सरकार ने ये एक इनकम गारंटी एक एक्ट है उसको उन्होंने, देखिए इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसको उन्होंने इनैक्ट किया है। इसे कहो दोस्तों, इससे जो जो लोग हैं ग्रामीण इलाके में उन्हें कम से कम 100 दिन का रोज़गार उन्हें गारंटी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होगी। क्या होगी? अनस्किल्ड होगी। आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है मनरेगा के अंदर काम करने के लिए। इट एम्स टू प्रोवाइड एट लीस्ट 200 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। 200 दिन का नहीं भैया, केवल 100 दिन का ही, ज़्यादा नहीं बढ़ो। मेरा सेकंड है जो गलत है, मेरा पहला है जो सही है। इट इज़ एन सोशल सिक्योरिटी मैटर मेजर, इट इज़ ए, यहाँ पर ए होगा, एन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस है जो एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वोवेल नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं कहता हूँ एम ए एन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, आप बताइए। दोस्तों इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो इसको अगर आप पढ़ते हैं ना एम ए एन को, तो आपका जो उच्चारण होता है वो एक किससे होता है? वो एक स्वर से होता है। आपने हिंदी अगर पढ़ी होगी, उसमें होता है एक स्वर और एक होता है व्यंजन। पढ़ी है ना भाई, पास किया कि नहीं टेंथ? हाँ, तो देखो, तो जैसे कि हम आपसे कहते हैं, देखिए जैसे कि है यूनेस्को, यू एन ई एस सी ओ, इसको जब आप प्रनाउंस करते हैं, इसे जब बोलते हैं, तो क्या होता है? यूनेस्को। इसमें कोई स्वर आता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ पर यू है जो वोवेल है, फिर भी मेरा यहाँ पर ए लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको उच्चारण करने पर स्वर नहीं आ रहा, ठीक है। मगर दोस्तों देखिए, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो दूसरे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल एम एल ए ले लेते हैं, तो देखिए एम एल ए, तो इसमें दोस्तों, इसमें आपको जो इसको पढ़ें तो क्या होता है, इसमें आपका एक स्वर आता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, ही इज़ एन एम एल ए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर ए का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है, और आपने देखा कि हम लोग किस तरह अपनी जो टॉपिक था उससे हम भटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी दोस्तों ज्ञान तो ज्ञान होता है, बटोर लीजिए जहाँ से मिले। चलिए, ये था हमारा आर्टिकल बीच बीच में, तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दोस्तों हम लोग जो गुड्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए हैं, मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सर्विसेज हैं हमारे भारतीय इकोनॉमी की, उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए, उसका एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं? हमने उठाया है 3 कदम मेनली। ये है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ACIS, अगला है GES, और अगला है सर्विस कॉन्क्लेव्स का ऑर्गेनाइजेशन। मेरा यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, मेरा आंसर यहाँ पर डी। भगवत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों है बिटकॉइन पर। विथ रेफरेंस टू बिटकॉइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिटकॉइन इन इंडिया आज ट्रैक्ड बाई RBI, क्या ये बात सही है? दोस्तों ये जो बिटकॉइन है इसे कोई रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। मेरा पहला है जो
गलत है। जो रुपी होती है इसको ट्रैक करता है आरबीआई, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आरबीआई है ये हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी है भारत का, तो रुपी का रेट घट रहा है, रुपी का रेट बढ़ रहा है, सब देखने किसका काम है? सब देखना आरबीआई का काम है। एनी वन विथ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनी वेयर एल्स विथ अ बिटकॉइन एड्रेस। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल बिटकॉइन जो यूज़र है उसका केवल आपको वो एड्रेस ही चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो ट्रांजेक्शन होता है वो एनोनिमस होता है। इसी कारण से जो बिटकॉइन है उसका इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग होती है उसमें भी हो सकती है। मेरा सेकंड सही है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये एनोनिमस है। मेरा थर्ड भी सही है। मेरा आंसर है 2 and 3, आंसर है मेरा बी। चलिए, 8 नवंबर वाज अ ब्लैक डे, ये कहना है मनमोहन जी का। हम इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं 7 नवंबर और 8 नवंबर के MCQs। 8 नवंबर के ही दिन पिछले साल 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था। तो चलिए, हमारे सर्वे से हमने सवाल फ्रेम किया है एक, द सर्वे डिस्क्राइब्स इंडियाज डिमोनेटाइजेशन एज अ रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप और हेलीकॉप्टर हुवर, वाई? दोस्तों, हमारा जो यूरोपियन इकोनॉमी है उसमें एक टर्म इस्तेमाल करता है हेलीकॉप्टर। देखिए, वहाँ पर एक टर्म है हेलीकॉप्टर ड्रॉप। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर दिया था। हम लोग जब बैंक में जमा करते हैं पैसे तो क्या होता है, हम लोगों को पैसा जमा करने पर ब्याज मिलता है। वहाँ पर जब आप पैसे जमा करेंगे ना तो ब्याज आपसे लिया जाएगा, पैसा आपको उल्टा देना पड़ेगा बैंक में पैसा जमा करने के लिए। तो क्या होता था दोस्तों, जो लोग होते थे वो अपना पैसा जमा करने से कतराते थे, वो उल्टे उसका इस्तेमाल करते थे। क्यों किया गया था? यह किया गया था उन इकोनॉमीज़ में इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक था हेलीकॉप्टर ड्रॉप। उसमें होता क्या था दोस्तों कि जो सरकारें थी वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी अपने सिटीजन्स के बीच में ताकि वो चीज़ें खरीदें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सर्विस इंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप पैसे बचा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, लोग जो पैसे खर्च नहीं कर रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमने पूछा आपसे कि ये जो रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप है वो क्या है। तो इसे हमने क्यों कहा था कि ये रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप है? इसमें क्या हो रहा होगा, जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप होता है वो पैसा आता है सरकार की तरफ से सिटीज़न को, जो रिवर्स ड्रॉप इसमें क्या होगा, इसमें पैसा जाएगा कहाँ से कहाँ, सिटीज़न से सरकार की ओर, है ना। तो देखिए, कारण क्यों कहते हैं इसे हम लोग हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर हूवर, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन वाज अ सडन सरप्राइज मूव। सडन हो, सरप्राइज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है हमें वो देखना है। बिकॉज डिमोनेटाइजेशन इन्वॉल्वड रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई, यही है आंसर भैया। जो मनी सप्लाई है उसका जो क्वांटिटी है उस वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। करीब 86% जो नोट थे वो 500 के और 1000 रुपए के करेंसी में थे, वो सब उठ गए बैंकों में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे कहा रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। मेरा आंसर है बी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।